हाँ बोलो भैया। वो धरने पर बैठे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। दिल्ली में बारिश हो रही है, हालांकि दिल्ली में उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई जितनी एनसीआर के इलाके में हुई है। और इस सब के साथ अरविंद केजरीवाल वहां पर डटे हुए हैं। वो कहते हैं बीच का कोई रास्ता नहीं है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की कोई हैसियत नहीं है कि वो उन्हें बता सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, खुद फैसला लेंगे कहां बैठें क्या करें। खैर, मसला यह है कि दो मंत्रियों के साथ झड़प हो गई थी पुलिसकर्मियों की। वो चाहते हैं कि पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएं, और बड़ी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा है उसकी खातिर लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेल भवन के आसपास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हम एक बार फिर आपको सुनाने की कोशिश। ये कहा जा रहा है, मैं जब पुलिस कमिश्नर साहब से परसों इस तरह से कानून अपने हाथ में ना लें, पुलिस को बताओ, पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक है जी, दो दिन पहले सोमनाथ भारती की विधानसभा में एक लाश मिली सड़क के ऊपर, जनता उनके घर पहुंच गई। एक घंटे तक फोन करते रहे वो पुलिस वालों को, कोई पुलिस वाला नहीं आया। क्या करे अब मंत्री? ये कहते हैं भाई मंत्री को फिर रजाई में दुबक के सो जाना चाहिए। हम कहते हैं जी वो राजनीति बदलेगी, अब मंत्री रजाई में दुबक के नहीं सोएगा, वो जनता के साथ निकलेगा बाहर। बताओ कुछ गलत करते हैं क्या? बताओ क्या गलत? कुछ था सोमनाथ का, उसने क्या कहा? का रैकेट चल रहा है, सारी जनता उनके घर आई। जनता ने कहा जी 3 महीने हो गए हमको चिट्ठी देते थे, हमारे पड़ोस के अंदर रैकेट चल रहा है, सामने पार्क के अंदर ड्रग बिकती हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे कुछ करो। और 4 महीने हो गए चिट्ठियां लिखते लिखते, सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा नहीं भाई, पहले मैं देखूंगा, अगर तुम्हारी बात ठीक है तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा।
वो चल दिए वहाँ पे। वहाँ जब गए तो देखा कि ये तो खुलेआम चल रहा है, तो उन्होंने SHO को फ़ोन करा, ACP को फ़ोन करा, मौके पे आए वो लोग, उन्होंने एक्शन लेने से मना कर दिया। तो सोमनाथ भारती ने कहा भाई रेड मारो उस बिल्डिंग पे। अब मीडिया वाले कह रहे हैं मंत्री ऐसे कैसे कह सकता है रेड मारो बिल्डिंग पे, तो क्या कहता भाई रेड मत मारो बिल्डिंग पे, क्या कहता मंत्री, हद हो गई। ये क्या हो गया मीडिया वालों को? मैं ये नहीं कह रहा सारे मीडिया वाले ठीक नहीं है, बहुत अच्छे हैं कई मीडिया वाले, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जो BJP और कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। सारे कल TV चैनलों ने दिखाया, कोई TV चैनल जनता से पूछा, पूरे देश की जनता से, भाई क्या केजरीवाल जो कर रहा है उससे तुम सहमत हो? चैनल में आया 80% जनता सहमत है, एक चैनल पे आया 86% चैनल जनता से, और मीडिया वाले उल्टा दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अराजकता फैला दी, अरविंद केजरीवाल ने ये फैला दिया, अरविंद केजरीवाल कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और चीज बता, लगभग सारे पत्रकार अच्छे हैं, जो मालिक है ना वो गड़बड़ है। ये मालिक आधे तो मोदी से मिले हुए हैं और आधे राहुल गांधी से मिले हुए हैं। जनता ने छोड़ दिया कांग्रेस, कांग्रेस और मोदी दोनों ने मीडिया वालों को कह रखा है भाई बोलने दो, शांति से तुम्हारे को कई सारे कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस वालों ने और मोदी वालों ने दोनों ने एक ही बात कह रखी है, कुछ भी करो इस केजरीवाल को बर्बाद करो, ये केजरीवाल आ गया तो ये देश की राजनीति खराब कर देगा, अभी सारा अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दोनों खाते हैं मिल बैठ के खाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये केजरीवाल ने सारा को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों मीडिया वाले जो मर्जी कहें कुछ भी कहने देना, देश की जनता बड़ी अपनी समझदार है, देश की जनता देख रही है, तो उससे हमें घबराने की बात नहीं है। देश की राजनीति नहीं चालू हो गई है और काफ़ी हद तक बदल रही है, और मुझे पूरा यकीन है, मैं हमेशा कहता हूँ जितने आप सारे खड़े हैं हम सारे लोग बहुत छोटे हैं, ऊपर वाला साथ दे रहा है, ऊपर वाला हमारे